नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती और मेरे साथ हैं शादाब। आज हम चर्चा करेंगे महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में जो है दोनों गठबंधन यानी एनडीए की बात करें और महाविकास आघाड़ी की भी बात करेंगे। एनडीए गठबंधन की बात करें तो एनडीए गठबंधन में जो केंद्रीय गृह मंत्री वहां गए थे, उन्होंने जो है मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ लंबी बैठक की और उसके बाद ये तय हुआ है कि 32 सीटों पर बीजेपी जो है वो लड़ेगी, 12 पर जो है वो शिवसेना लड़ेगी सिंधे गुट, और 4 सीटों पर जो है वो अजीत पवार की पार्टी लड़ेगी। दक्षिण मुंबई की सीट जो है उस पर बीजेपी लड़ना चाहती है, ठाणे की सीट पर भी बीजेपी लड़ना चाहती है, रामटेक की सीट पर भी बीजेपी लड़ना चाहती है। तो थोड़ा सा पैचवर्क जो है अभी सीटों को लेकर के थोड़ा सा है, लेकिन नंबर ऑफ सीट वो करीब करीब तय हो गया है। अब आज क्या हो रहा है आप ये जानकारी दे। बिल्कुल, देखिए आज एमवीए की जो बैठक थी वो भी लगातार चल रही है और खास बात यह है कि प्रकाश अंबेडकर ने इसमें पेच फंसा रखा है और प्रकाश अंबेडकर ये चाहते हैं कि उन्हें 27 लोकसभा की सीटें दी जाए, तो वो काफी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं जिसकी वजह से वो काफी मामला फंसा हुआ है। हालांकि जो एमवीए के जो गठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि सब कुछ ठीक ठाक है और उनको मना लिया जाएगा। देखिए बाबा, जो पहले सीट बटी थी जो दर्शकों के लिए जानना जरूरी है कि उसमें यह तय हुआ था कि कांग्रेस पार्टी 18 सीटों पर लड़ेगी, शरद पवार के एनसीपी को 10 सीटें मिली थी और 20 सीटें जो है वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिली थी। तो ये बंटवारा हो गया था और जो प्रकाश अंबेडकर है उनको सिर्फ 2 सीटों का ऑफर किया गया था अलायंस की तरफ से, लेकिन अब वो काफी ज्यादा सीटें मांग रहे हैं जिसकी वजह से मतभेद फंसा हुआ है। और जैसा कि हम लोगों ने टॉपिक भी दिया है कि आखिरकार प्रकाश अंबेडकर के मन में क्या है, क्या प्रकाश अंबेडकर यहाँ रहेंगे या उनकी कहीं और भी बातचीत चल रही है, क्या वो इस गठबंधन के साथ आएंगे, ये इसको लेकर असमंजस है जिसकी वजह से एमबीए में काफी कंफ्यूजन फैला हुआ है। तो अब आप ये बताइए कि एमबीए पे एक बार चर्चा कर लेते हैं फिर उस पर आते हैं। तो एमबीए का कुछ थोड़ा समीकरण बता दीजिए। जी, एमबीए का समीकरण मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि सदाब ने बताया कि शिवसेना के हिस्से में जो उद्धव शिवसेना 20 सीटें आई है और वही जो वो अपने कोटे से 2 सीट जो है प्रकाश अंबेडकर को देंगे और 1 सीट जो है राजू सेठी जो है उनको भी दिया जाएगा, ये वो कांग्रेस अपने कोटे से देगी। अब दिक्कत ये है कि प्रकाश अंबेडकर जो है वो चाहते क्या, उनके मन में क्या है। उन्होंने कितनी सीट मांगी है, 27 सीट मांगी है। और आपको उनके बारे में जानकारी देना यह यहाँ जरूरी है कि वंचित विकास आघाड़ी जो उनकी उनका उनका पार्टी है वो पिछले बार 47 सीटों पे चुनाव लड़ी थी वो, और उनको 6.92% वोट आए थे और उनका कोई भी सांसद नहीं जीता था। तो 47 सीटों पे लड़ने के ही एवज में वो इस बार 27 मांग रहे हैं, लेकिन हमारे पास ये जानकारी है कि उनको 2 सीट ही ऑफर की जा रही है और इसलिए जो है वो लगातार गठबंधन के मीटिंग में भी जाते हैं, मीटिंग से बाहर निकलते हैं तो लेकिन फैसला नहीं करते हैं। मीटिंग तो अटेंड करते हैं लेकिन अपनी मांग पर वो कायम है और मीटिंग में कुछ और बोलते हैं बाहर आकर के। उनका एक परिचय और भी है कि वो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते हैं, एक बड़े बड़े राजनीतिक परिवार से आते हैं और उनका अलग अलग स्टैंड रहा है। आपको याद होगा कि एक बार उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से भी गठबंधन किया था और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़े थे, बीच में उनकी नजदीकियां शिवसेना से रही, बीच में भाजपा से भी नजदीकियां रही, लेकिन वो हमेशा एक लड़ाई लड़ते रहे, जो आप कह सकते हैं कि सामाजिक न्याय की लड़ाई हमेशा प्रकाश अंबेडकर लड़ते रहे। और इस बार भी वो कह रहे हैं कि जो गठबंधन के दल यहाँ बैठे हैं वो एक एग्रीमेंट साइन करें और वो लिख के दे कि वो कभी भाजपा के साथ नहीं जाएंगे। जरूरी तो उनका इशारा उद्धव ठाकरे की तरफ है कि आप लिख के दो कि आप भाजपा के साथ नहीं जाओगे, ऐसा प्रकाश अंबेडकर कह रहे हैं। निश्चित रूप से, और उनको लगता है शायद प्रकाश अंबेडकर को कि जीतने के बाद फिर से वो शिवसेना यूनाइट ना हो जाए और पूरी की पूरी शिवसेना जो अभी 2 हिस्सों में बटी है वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से बीजेपी के पाले में चली जाए। कुछ और आंकड़े मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए कि देखिए जो आंकड़े हैं जिसमें कि एनडीए जिस ढंग से अपनी सीटें बांटा है और 32 सीटें बीजेपी लड़ रही है और वो क्यों लड़ रही है, तो पिछली बार जो है लोकसभा चुनाव में बीजेपी जो है 25 सीट लड़ी थी और 23 सीटें जीती थी और शिवसेना जो है 23 सीटें लड़ी थी और 18 जीती थी। उस वक्त शिवसेना में टूट नहीं हुई थी। 19 सीटें जो है एनसीपी लड़ी थी, 4 जीती थी और 25 सीटें जो है कांग्रेस लड़ी थी और 1 पर कांग्रेस जीत पाई थी, 1 सीट जो है AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है उनको मिला था। तो अब इस बार बीजेपी ने अपनी टैली जो है 25 जो पिछले बार लड़ी थी उससे बढ़ा करके 32 कर ली है और जो एलाइज है उनको ये उन्होंने कहा कि आप राज्य में विधानसभा में ज्यादा लड़िए,
लोकसभा में चूंकि हमने 370 का आंकड़ा रखा है तो इसलिए हमें ज्यादा सीट हम लड़ेंगे। मुझे लगता है कि ये अन्य राज्यों में भी बीजेपी ने ये एक तरह से महाराष्ट्र के फॉर्मूले को एक इसको जो है एक बेंचमार्क बनाया है। और आप देखेंगे जब बिहार में जब बंटवारा होगा जेडीयू के साथ, वहां भी बीजेपी जो है पिछली बार जो 17-17 सीटें लड़ी थी वो 20 से 25 सीटें मुझे लगता है बीजेपी जो है वो 22 से 25 सीटों के बीच बिहार में भी लड़ेगी। बिल्कुल आप सही इशारा कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि सभी राज्यों में जो लोकसभा की सीटें हैं उनको ज्यादा लड़ने का मौका दिया जाए, और वो जो रीजनल पार्टीज हैं उनको वो कह रहे हैं कि आप विधानसभा चुनाव में आप अपना हिस्सा ले लीजिएगा। तो एक बार बता देते हैं कि 2019 का जो चुनाव था वो भाजपा और शिवसेना साथ मिलकर लड़े थे, लेकिन उनका 25 साल पुराना जो गठबंधन है वो टूट गया था और भारतीय जनता पार्टी 106 विधायकों के साथ, ये 2019 का हम आंकड़ा आपको बता रहे हैं, कि राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। शिवसेना ने 56 सीटों पर जीत हासिल की थी और ढाई ढाई साल का एक फॉर्मूला तय हुआ था, लेकिन उसके बाद वो फॉर्मूला चल नहीं पाया। उद्धव ठाकरे ने कहा कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, जिसके बाद वो गठबंधन टूट गया और उद्धव ठाकरे जो है वो कांग्रेस और एनसीपी के सपोर्ट से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन बाद में उनकी पार्टी में भी दो फाड़ हो गए। अभी तो, जो स्थिति ये है उसके अनुसार आप जो यदि विधानसभा की बात कर रहे हैं तो बीजेपी के पास अभी 103 विधायक हैं और अजीत पवार के पास 41 विधायक हैं और जो मुख्यमंत्री की जो पार्टी है उनके पास केवल 39 विधायक हैं। तो आप देखिए बिहार में 44, एक बार कांग्रेस का भी बता देते हैं, कांग्रेस के पास 44 विधायक हैं और यूबीटी के पास 17 हैं और एनसीपी शरद पवार के पास 12 हैं। लेकिन जब वो यूनाइटेड थे तो 53 विधायक। जी हाँ, वो नंबर टू पार्टी थी, नंबर टू पार्टी। तो ये जो है आप बीजेपी जो आर्गुमेंट करती है वो ये करती है यदि हम इस विधायकों वाली पार्टी के नेता को मुख्यमंत्री बनाए हुए हैं, बिहार में 44 विधायकों की पार्टी वाले को हम चीफ मिनिस्टर बनाए हुए हैं तो आप राज्य की राजनीति कीजिए, केंद्र की राजनीति जो है हम करेंगे। और इसी तरह बीजेपी ने अपनी सीट बांटी है। अब अघाड़ी की बात कर लेते हैं, एक खबर और भी बता देते हैं कि चूंकि जैसा झगड़ा एमवीए में चल रहा है वैसा ही झगड़ा एनडीए में भी चल रहा है, इसीलिए अमित शाह को मुंबई जाना पड़ा था और उन्होंने अलग अलग मुलाकात की थी। उन्होंने अजीत पवार से मुलाकात की, मुख्यमंत्री शिंदे से मुलाकात की थी और ये जो अलायंस है जिसका अभी आप जिक्र कर रहे थे वो उन सीटों को लेकर डिस्कशन किया था और सबको समझाया था कि सबका हित इसी बात में है कि सभी लोग ये चुनाव मिलकर लड़े तो ही महाराष्ट्र में रास्ता साफ हो पाएगा। तो इसमें जो भाजपा की जो सेंट्रल लीडरशिप है उसको भी इंटरवीन करना पड़ा है गठबंधन को बनाने के लिए, तो यानी झगड़ा दोनों तरफ है। जी हाँ, दोनों एनडीए और एमबीए दोनों में सीटों को लेकर के खींचतान और अभी भी है। देखिए एनडीए ने भले ही 32 12 और 4 का फॉर्मूला कर लिया हो लेकिन अभी भी जो है बीजेपी दक्षिण मुंबई पर दावा कर रही है और थाने की सीट जहां पर की मुख्यमंत्री के बेटे जो है वो चुन के आते हैं और रामटेक की सीट, इस पर भी बीजेपी दावा कर रही है कि ये तीन सीट जो है वो लड़ेंगे। अजीत पवार जो है वो बारामती लेकर के खुश है, वो सुनील तटकरे के लिए एक सीट चाहते हैं, एक सीट वो प्रफुल्ल पटेल के लिए गोंदिया जो है वो भी चाहते हैं, तो उनको चार सीट हालांकि राज्यसभा भी दे दी है। राज्यसभा भी दे दी है लेकिन वो चाहते हैं कि चूंकि वो एक परंपरागत जिला है प्रफुल्ल पटेल का। और एक और खबर है कांग्रेस के लिहाज से, राज बब्बर जो है उनको कांग्रेस जो है वो प्रिया दत्त वाली सीट से लड़ाना चाहती है, लेकिन मेरी राज बब्बर से बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि वो पहले उत्तर प्रदेश के जो प्रभारी है अविनाश पांडे उनसे बात करेंगे और वो फतेहपुर सीकरी के लिए ज्यादा इंटरेस्टेड है। उनका कहना है कि मेरा घर वहां पे है और फतेहपुर सीकरी से ज्यादा वो उनको लगता है कि वो सीट उनके लिए ज्यादा अच्छी है। कांग्रेस की खबर और भी बता देते हैं कि जो पार्टी के संगठन महासचिव हैं केसी वेणुगोपाल वो मुंबई पहुंचे थे और उन्होंने मुंबई कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की मीटिंग की है जिसमें नाना पटोले और उनके जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, जो मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष हैं और पार्टी के तमाम बड़े नेताओं को बुलाया गया था। और कांग्रेस भी खूब के कदम रख रही है क्योंकि पार्टी के दो बड़े नेता अशोक चौहान पूर्व मुख्यमंत्री ने पार्टी छोड़ी, बाबा सिद्दीकी ने पार्टी छोड़ी, इसलिए कांग्रेस अब चाहती है कि किसी भी तरह का कोई अब आगे कोई तोड़फोड़ ना हो पार्टी के अंदर। इसीलिए जो ये जो प्रकाश अंबेडकर की वजह से जो ये गठबंधन में पेंच फंसा हुआ है उसको लेकर केसी वेणुगोपाल वहां गए थे और उन्होंने कांग्रेस नेताओं से बातचीत करके उनको समझाया है। अब एक बार और बताइए कि आखिर प्रकाश अंबेडकर क्या चाहते हैं जो ये गठबंधन नहीं हो पा रहा। प्रकाश अंबेडकर अधिक सीटें लड़ना चाहते हैं, एक तो पहली बात ये है। उसके पीछे उनका तर्क है कि मैं पिछले बार और पिछले बार हुआ ये था कि कई ऐसी सीटें हैं जहां पर कि प्रकाश अंबेडकर के पार्टी को लाख से ज्यादा वोट, लेकिन मजबूरी क्या है एमवीए की, ऐसी क्या मजबूरी है कि वो प्रकाश अंबेडकर को मना रही है सीटें अनाउंस नहीं कर पा रही है। वो जो पिछले बार का यदि 2019 का लोकसभा
लोकसभा चुनाव के आप यदि आंकड़ा देखेंगे ना वोटों का, उसमें कई जगह जो है वो गेम चेंज कर सकता है, प्रकाश अम्बेडकर का वोट जोड़ दिया जाए तो। लेकिन उसके पीछे ये कहा गया, दलित और मुस्लिम पॉलिटिक्स करते हैं, ये भी बताना, पिछली बार ये कहा गया कि कोरेगांव वाली जो घटना थी ना उसको लेकर के दलितों का वोट उनको एक मुश्त मिला था, तो इसको लेकर के जो है वो अपना आर्गुमेंट दे रहे हैं। और उसी को लेकर के जो है शरद पवार जैसे बड़े नेता भी उनकी बात अभी फिलहाल सुन रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि दो सीट ही उनको ऑफर की जाएगी। प्रकाश अम्बेडकर को अब तय करना है कि उनको रहना है या नहीं रहना। एक और जानकारी है मेरे पास कि संजय निरुपम की एक सीट है मुंबई की, उसके लिए कांग्रेस बार्गेन कर रही है शिवसेना से, वो सीट जो है उद्धव ठाकरे के पास है, तो शिवसेना से वो सीट जो है कांग्रेस जो है वो संजय निरुपम के लिए वो सीट मांग रही है। देखिए एक 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 जानकारी और दे दे कि देखिए उद्धव ठाकरे जो हैं वो मुंबई की चार सीटों पर लड़ना चाहते हैं, वो मुंबई साउथ, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, मुंबई नॉर्थ ईस्ट और मुंबई साउथ सेंट्रल, ये चार सीटें हैं जिस पर उद्धव ठाकरे अपना दावा कर रहे हैं। और जैसा कि आपने बताया अभी कि संजय निरुपम एक सीट चाहते हैं, इसलिए कांग्रेस उनसे बातचीत कर रही है। तो कह सकते हैं कि दोनों ही पार्टीज में, चाहे वो एनडीए हो चाहे एमवीए हो, वो सीटों का बंटवारा फंसा हुआ है, कहीं सीट पे लेकर, कहीं प्रकाश अम्बेडकर की वजह से, कहीं अजीत पवार और शिंदे की खींचतान में। तो कुल मिलाकर अभी स्थिति वहां उलझी हुई है महाराष्ट्र में, और जैसे 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 तस्वीर साफ होगी हम लोग दर्शकों को। और अंतिम चलते चलते बता दें कि आज कांग्रेस पार्टी की जो है सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग है, उम्मीद की जा रही है कि देर रात जो है कुछ नाम करीब 50 से 100 के बीच में कुछ नाम आएंगे, और देखते हैं कि मुंबई और महाराष्ट्र को लेकर के कितने नाम जो श्योर शॉट सीट है, जो जिस पर ये बात पक्की हो गई है, उस पर जो है महाराष्ट्र से कितने नाम आते हैं। हमारी नजर रहेगी कि जैसे ही नाम आए तो हम तुरंत आपके पास उसका विश्लेषण लेकर के हाजिर हैं। तो पॉलिटिकल बाबा में आज मनोरंजन भारती और शादाब को इजाजत दीजिए, फिर मिलेंगे एक नए विश्लेषण के साथ। नमस्कार।